कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर की निचली अदालत में दायर परिवाद पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। आज महानगर मजिस्ट्रेट क्रम चौदह ने परिवादी के द्वारा शास्त्री नगर थाने में दिए गए परिवाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है। थाने से रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में अग्रिम सुनवाई होगी। एडवोकेट विजय कलंदर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया था। परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान में विभिन्न वर्ग व समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ। परिवाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए बयान का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। उनके इस बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के खिलाफ बताया है। परिवाद में कहा गया कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी गैर हिंदू परिवार के थे। अदालत पूर्व में कई फैसलों में कह चुकी है, पिता की जाति ही बच्चे की जाति होगी, जाति जन्म से होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने खुद की जाति छिपाकर बयान दिया, जिससे परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जाये।